पूरी तरह से तैयार हो पाया है। लेकिन अब लोगों का मानना है कि काम आखिरी स्तर पर है, शायद जल्द ही यह पूरा भी होगा। ऐसे में इस वैकल्पिक समुद्री मार्ग के प्रति लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया भी आ रही है, जहां कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जरवा, वहीं दूसरी पर्यटन उद्योग से लोग ये मान रहे हैं कि समुद्री मार्ग के खुलने 12 टाइम पर्यटन को बहुत धक्का लगेगा। वैसे अब ये बताना संभव नहीं है कि कौन से साल में एक तारीख को वैकल्पिक समुद्री मार्ग को खोला जाएगा, पर यह तय है कि इस मार्ग के तैयार होने के साथ साथ इस मुद्दे पर विवाद गहराता जा रहा है। अब देखना यह है कि यह विवाद कहां तक पहुंचता है और द्वीप प्रशासन कैसे इस बड़े मुद्दे को सुलझा पाता है। सरकार में जो काम चल रहा है वो है अगेंस्ट सी रूट का। एक्चुअली प्रपोजल ये था कि कुछ पैसेंजर्स को जो है वह बाई बोट बाराकान भेजा जाए, और ये दो तीन पार्ट में है राजद। एक तो है ड्रेजिंग जो कि काम हो चुका, दूसरा है जेटी का एक्सटेंशन जो अब चल रहा है, तीसरा है जहां पर ड्रेजिंग हुआ है उस एरिया को डिमार्केट करना कि कुछ जगह पर ड्रेजिंग हो चुकी है। इसको हमेशा जो है पॉजिटिव अंदाज से हम देखेंगे तो दो फायदा है इसका। एक तो हमारा जो सी रूट है, सी पे जो हमारा डिपेंडेंट है उसको और इंप्रूव करें, साथ में जो है टूरिज्म को भी जो है इसका फायदा हो, और तीसरा जो अंडमान ट्रंक रोड में जो दो स्ट्रेच है जरवा स्ट्रेच, उस पर जो प्रेशर आ जाए वो कम। तो ये हमको चाहिए कि आइलैंड्स को हम समझे, आइलैंडर्स उसको समझे, और आइलैंड्स का जो बहुत बड़ा हेरिटेज है या आइलैंड्स का जो जो इंडिजिनियस जो ट्राइबल्स है उनका अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम उनके उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो बाहर वाले कहां तक उसके बारे में सोचेंगे। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको उनका लाइफ डिस्टर्ब किए बिना हम टूरिज्म एक्टिविटी करें या टेक्नोलॉजीज को भी बचाएं, और साथ में जो है टूरिस्ट को ऐसा एक्सपीरियंस दे जो एक आइलैंड एक्सपीरियंस हो। हाल ही के दिन में सुनने में आया कि जो हमारा जो बाराटंग में जेटी बन रहा है, जेटी बने से जो है एडिशनल सी रूट होगा, तो सर हमारा जो टूरिज्म बाराटंग में जो है टूरिज्म ही एक सोर्स है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड जो है उसी में जो है फाइबर बोर्ड वगैरह लेके जो है हमारे बच्चे जो इसमें काम कर रहे हैं, और पूर्ण से भी जो है बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड जो है गाड़ी लेकर आते हैं, तो वो जो है गाड़ी लेकर आने से जो है उनसे जो उनकी आमदनी होती है, और वो जो है आने से वो गाड़ियां सब जो है चलती है, बाराटंग में टूरिज्म सबसे अच्छा बढ़ावा चल रहा है। लेकिन सर सुनने में कि अगर सी रूट खुल जाने से, मेरा सोच है कि अगर सी रूट खुल जाने से जो है सर बहुत सारे गेस्ट की कमी होगी, और जो हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है मेरे ख्याल से टूरिज्म सेक्टर में जो है गेस्ट थोड़ा आने बारह टाइम में कम करेंगे। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ सर जो है कि उसके साथ साथ अगर टूरिस्ट को अगर हम लोग फिटर से भी आएंगे तो वो जो प्राकृतिक का जो पेड़ पौधा है जो बहुत सारे जगह में जो है, आप अंडमान की तरह जो आपका मैंग्रोव है और आपके बहुत सारे जो ट्रीज है जो आपका एक घंटा सफर चलता है उसमें जो है आप बहुत सारा जो है फॉरेस्ट एरिया को देखते हुए आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर कैसे भी हमारा पर्यटन में जो है टूरिज्म में रोड आने से जो है अच्छा रहेगा और हमारा